गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू डिलीशियस किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। सर्दियों की ठठराती सुबह, कोहरा ही कोहरा, खाने को मन कर रहा है कुछ कड़क सा, टेस्टी सा, गरम गरम, लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहले एक गुजारिश है, जी हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपके रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सामने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब आज बनाएंगे क्रिस्पी से, क्रंची से पापड़ रोल। बहुत ईजी सी चीज़ है ये, जब वेले होते हैं ना हम, जैसे मैं आज बिल्कुल वेली हूँ, कुछ काम है नहीं, ईजी सी कोई चीज़ बनानी है, तो लगा चलो पापड़ रोल बनाते हैं। ज़्यादा ताम झाम है नहीं, बस पापड़ सेकिए, पापड़ में रोल कीजिए और पापड़ को फ्राई कर दीजिए और बस खा लीजिए टेस्टी टेस्टी से। जी हाँ, हमने पापड़ सेक लिया, एक पापड़ से आपके दो से तीन पापड़ रोल बन जाएंगे। प्याज ले लीजिए थोड़े से। आज मैं इंग्रेडिएंट्स नहीं दे रही हूँ बिकॉज इजी सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल। हरी मिर्च काट दीजिए, हरा धनिया काट दीजिए, लहसुन अदरक खाते हैं तो थोड़ा सा डाल दीजिए, और मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डालिए, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, बीकानेरी सेवे डाल सकते हैं आप इसके साथ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पापड़ को भिगा लेंगे क्योंकि हमने फोल्ड करना है, आसानी से फोल्ड होते नहीं है। बहुत ज़्यादा देर ना भिगा दीजिएगा वरना बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। थोड़ी देर बस, ज़्यादा देर नहीं, एक से 10 सेकेंड आई थिंक। और बस आपने मसाले मिला लेने हैं, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, चाट मसाला, काला नमक, नमक ध्यान से डालेगा ऑलरेडी होता है पापड़ में, और गर्म मसाला अगर खाना चाहें तो डाल सकते हैं, मिला लीजिए। मैगी मसाला भी डाल सकते हैं आप चाहें तो। बस ये देखिए पापड़ निकल गया, और आपने इसमें कॉर्नफ्लावर लगाना है। कॉर्नफ्लावर लगाने से क्या होगा, जो ये पापड़ है ना ये सौगी नहीं होंगे, वरना ये पापड़ गीला है तो वो सौगी हो जाएंगे, क्रंचीनेस इनकी बरकरार रहेगी। जी हाँ, और इसमें आप आलू भर के बना सकते हैं रोल। आलू भरेंगे तो सीधे डायरेक्ट रोल कर दीजिए, पनीर भर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है यार, ये वेले पापड़ रोल है, इसका नाम ही वेले पापड़ रोल है। जब आप खाली बैठे हो तब बनाइए, जो झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया, ये टूटी फूटी लग रही है, डरिए मत, हम फिर से इसको एक और पापड़ में अच्छे से रोल करेंगे। जी हाँ, ये डबल रोल होंगे, बहुत शानदार बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इस तरीके से कर दीजिए, दूसरा ले लीजिए पापड़, इसमें भी इसी तरीके से फिलिंग कर दीजिए। ये देखिए अच्छे से फिलिंग करिए, हमें खूब भर भर के, टूटते हैं थोड़े से तो कोई चिंता की बात नहीं, दूसरा जो रोल है वो नहीं टूटेगा। इसमें कॉर्नफ्लावर लगा दीजिए, साइड में गीले पापड़ ऑलरेडी हैं, पकड़ लेंगे एक दूसरे को दबा दबा के, इसको रोल करके आप चाहें तो एक लॉन्ग लगा सकते हैं, और वरना इस तरीके से 5 मिनट के लिए सूखने दीजिए। फिर हमने इसको फ्राई करना है कम से कम 5 मिनट। जी हाँ, गीले पापड़ हैं तो थोड़ा क्रिस्पी करने में टाइम लेते हैं, धीमी आँच में आराम से तलने दीजिए, जब तक हाथ सेक लीजिए सर्दी में अपने, बहुत ही टेस्टी से लगते हैं और झटपट से बन जाते हैं, उसी वक्त खा लीजिए। जी हाँ, ज़्यादा इंतज़ार करना ही क्यों है, ये देखिए बनके तैयार है। इसी में आप अपने हिसाब से कोई भी वैरायटी अंदर आप जो भरना चाहें वो भर सकते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी, बहुत ही शानदार सी, बहुत ही गजब की, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कड़क, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही शानदार। जी हाँ, ये देखिए बातों ही बातों में तैयार हो गया। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ कितने क्रंची हैं, ये देखिए इतने क्रंची, अंदर देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। और ये चीज़ दिख रही है, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा चीज़ तो ज़्यादा डाल दीजिए, मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं डाली क्योंकि मुझे लगा था प्याज और पापड़ का ही टेस्ट है तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया से लगते हैं ये, और गरम गरम है, अगर आप पतले हैं तो ज़रूर खाइए, या मोटे हैं तो भी खा लीजिए, क्या जाता है। अरे अरे डरिए मत, आप इसे एयर फ्राई कर लीजिएगा। जी हाँ, तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।